अब विश्वास नहीं करोगे, बैनी जो बैनी है हमारा वो करेले खा रहा है। बता गए तो करेले के साथ हमने ना ऐसे करेला दिया। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड अपने अपने घरों में होंगे। तो कैसे भी बज रहे हैं शाम के 7:47 एंड आप सोच रहे होंगे गुड इवनिंग क्यों बोला, क्योंकि गुड इवनिंग बोली तो गुड इवनिंग बोलूँगा, गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगा। एंड कैसे आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि एक मिनट मैं बैठ जाता हूँ कहीं पर, कि आज हम गए थे सवेरे 10 बजे तकरीबन, कल ना गए रात को शाम रात को 5 बजे से लेकर सवेरे 10-11 बजे तक, कितनी भयंकर बारिश हो रही थी ना। हमने सवेरे 5 बजे कल एक मंदिर जाना था, यही 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पे है हमने जाना था, बट बारिश इतनी तेज हुई कि हम जा नहीं पाए। फिर हम सुबह 10:30 बजे गए थे, फिर हमें जाते 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 हमें पहले मिल नहीं आया, फिर मैं भी मिल गया, फिर 2-3 जगह और गए थे। हमें आते आते 2:30 बज गए और 2:30 बजे से 2:30 बज गए थे ना, पहुँचते फिर आधा घंटे मैंने रेस्ट किया और आधा घंटे से लेकर 2.5 घंटे से मैं फ़ोन चला रहा हूँ। और तो मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गया और मैं गाइस काफ़ी ज़्यादा हॉरर वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पर, तो कुछ रियल होती है कुछ फेक होती है, उनके बारे में मैं बात नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं रियली भूतों से डरता हूँ। मैंने आज तक कोई चैलेंज किया ब्लडी मैरी चैलेंज वो वगैरह वगैरह, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं कहता हूँ। एंड कहते हैं मेरे पापा मेरे लिए बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम घर पर, उन्होंने फेसबुक से रेसिपी देखी है तो वो बना रहे हैं अभी, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए, तो जब बन जाएगी मैं आपको जल्द पक्का दिखाऊँगा, पक्का प्रॉमिस। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9:15 गाइस, अब तो गाइस बोलते हैं, मेरे को ना पिछले व्लॉग की इतनी वो हो गई है 24 घंटे के बोल बोल के कि मैं जब भी वीडियो में आने जाता था ना तो मैं दोस्तों 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 बोलते तो मेरे मुंह से दोस्तों ही निकल रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:15 एंड अभी मैं काफ़ी अच्छे देख रहा था टीवी, क्योंकि एक सीरियल मैडम सर आता जो कि मेरा फेवरेट शो है पुलिस वाला, जो मेरे मम्मा कभी उसी टाइम पे आता है मेरे मम्मा 10 बजे और मेरा भी फेवरेट 10 बजे आता है, तो इसलिए मम्मा देखते हैं मैं देख पाता, तो इसलिए मेरे को देख पाता तो मैं बाद में देख सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। एंड अभी मैं गाइस नहाऊँगा जाने वाह, तो अभी मैं नहाने जाऊँगा गाइस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे तक ना पूरी ठंड थी, बट दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी फिर से हो चुकी है, हालांकि ठंडी हवा चल रही बट रात को शाम तक चली, शाम के बाद बिल्कुल ही कम हो चुकी है। गाइस अभी आपको एक अजीब बात बताता हूँ, अब विश्वास नहीं करोगे, जो बैनी है हमारा वो करेले खा रहा है। बता गए तो करेले के साथ हमने ना ऐसे करेला दिया, जरा सा हमें लगा कोई सब्जी पड़नी तो उसको देने के लिए था, तो हमने करेला दिया तो मुझे लगा तो करेला तो वो खाएगा ही नहीं, ऐसे गंदी सब्जी लगती है जैसे मेरी तो फेवरेट है, बट जैसे मैंने दिया ना उसका बीज भी खा रहा है, मैं बीज ही खा पता बट वो बीज भी खा रहा है। बस अभी मैं नहा धो के, मेरे मम्मा भी पनीर बना रहे हैं तो मैं नहा धो के एकदम खा खो के खाना, आपसे मिलता हूँ फिर उसके बाद। हो गए तो अभी रात के बज रहे हैं 10 एंड अभी मेरे साथ कौन है मेरे घर का सबसे प्यार, मेरी जान, मेरा सबसे प्यारा ओरियो नहीं बैनी है ना गाइस, मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता। आज हम मंदिर गए थे ना तो हम गए थे तकरीबन 10:45 बजे और हमें आते आते 2:15 बज गए थे, तो तकरीबन हम 2.5 घंटे तक घर पे थे, तो हम इसको घर पे ही कल्ला ही छोड़ के गए थे। एंड गाइस जब हम आए ना क्या बताऊँ, वैसे तो इसने रोटी राटी हम सबके इसके पास रहते गए थे बट इसने खाई नहीं थी क्योंकि हम थे नहीं तो इसको मर्यादा थी। एंड गाइस अब मानो कि हम गए ना, हम वैसे पहले जब गए थे अभी मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे के बर्थडे पे, तो तब ना हम ये ऊपर ही था जब हम गए थे, तो इसको इतना कोई अनुमान नहीं था कि हम गए हैं अभी तो आज के बाद तो हम जब जा रहे थे ना तो ये नीचे आ गया, जब फटाफट हमने गेट बंद कर दिया तो 2 मिनट तो चीख रहा था पहले जब तक हम जा रहे थे, बाकी का हमें पता नहीं क्योंकि हम तो गए हुए थे, क्योंकि फिर उसके बाद मतलब कि हम ये नीचे बैठा हुआ, हम आए ना 2-2.5 घंटे बाद भी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ था, क्या पता ऊपर गया होगा क्या पता नहीं गया होगा, वो तो मुझे पता नहीं है कि मैंने कैमरा तो लगा नहीं रखे। एंड बस मैं हैरान हो गया यार, इसने मतलब कि करेला खाया कैसे, बहन तूने करेला कैसे खाया है, करेला कैसे खाया तूने बताओ गाइस को, कब ऐसे कह रहा है अब से मेरा करेला भी मेरी फेवरेट सब्जी है। ठीक है बेटा, करेला वैसे अगर मैंने ज़्यादा कुछ तो खाता देखा नहीं है,
वैसे आपने कुत्तों को देखा होगा पनीर खाते हुए। मेरी मम्मा ने पनीर बनाया था जो कि बहुत टेस्टी होता है, जो कि मेरी मम्मी सब्जी बनाती है वो एक नंबर ही होती है। तो मम्मी ने पनीर बनाया था तो इसको पनीर दिया, पनीर नहीं खाया। बताओ, करेला कुत्ते नहीं खाते, करेला खाता है, और कुत्ते पनीर खाते, पनीर नहीं खाता। और ये भी ना बाकी कुत्तों से अलग ही कुत्ता है, ये दूध दही दही लस्सी कुछ नहीं पीता, ये अलग ही कुत्ता है। इसके में लग रहा है फ्रूटी पीता है। एक बार क्या हुआ, मैं इसको फ्रूटी मैं पी रहा था, मुझे देखिए मैंने जरा लग रहा की फ्रूटी पी रहा। ये भी गाइस अलग ही लेवल का कुत्ता है, अब इसके बारे में क्या ही बात करूं। एंड गाइस हम गए थे तकरीबन, हमने आज 40-50 किलोमीटर ट्रैवल किया। हम तीन जगह गए थे, एक मंदिर है माता बगलामुखी मंदिर, और एक नीलकंठ मंदिर, और एक गुरुद्वारा पड़ता है वो वाला क्या नाम है, दुख निवारण गुरुद्वारा, वहाँ पे गए थे हम। तो यहीं गए थे हम, काफ़ी मज़ा आया। मैं शूट शाट कुछ किया ही नहीं क्योंकि फ़ोन की बैटरी कम थी, और यहाँ पर वैसे मुझे थोड़ा आदत नहीं है कहीं बाहर शूट करना, तो इसलिए नहीं किया मैंने। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:34 एंड अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद इसको मैं बटरमेंट, आप ये पीछे देख रहे हो क्या है, ये पीछे है वो जिससे टी वी चलता है। तो मैं इस कमरे में काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, एंड क्या अभी मैं कूलर के आगे बैठा हूँ, और मेरे मम्मा सिलाई कर रहे हैं, पापा भी यहीं हैं, एंड बहन तो घोड़े बेच के सो रहा है। कूलर देखिए, कूलर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा तेज। एंड अभी का इसमें ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीवी का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो एंड अभी 11:30 से ऊपर हो गया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है गाइस, तो मैं सो जाऊँ क्या, सो जाऊँ चलो सो ही जाता हूँ, फिर आपसे सुबह में। सो गाइस गुड मॉर्निंग, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9:26 से अगला दिन है। मैं कल रात को काफ़ी ही ज़्यादा थक गया था और काफ़ी नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं मतलब कि सो गया था, मैं व्लॉग एंड कर नहीं पाया। एंड गाइस वो जो वो जो व्लॉग में डाला था स्पीकिंग ओनली इंग्लिश नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर ट्विटर पर, जो आप लोगों ने देखा ही है, उस पर गाइस बहुत मेहनत लगी है, तो आपने सपोर्ट भी अच्छा किया, तो थैंक यू सो मच उसके लिए गाइस। एंड 70 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस उसके लिए भी। एंड तो गाइस अभी मैं यहाँ लो के नाश्ता करूँगा, एंड मेरे मम्मा पापा तो ये पार्ट कर रहे हैं, मैं घोड़े बेच के सो, वो हमेशा घोड़े बेच के सोता ही रहता है क्योंकि वो सोच लू कुत्ता है, बात करूँ मैं उसकी। तो गाइस फिलहाल मैं इस वक्त यहीं पे एंड करता हूँ, तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you so much for watching. Bye-bye.